हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ राइडर। तो दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं इस सावन मास बद्रीनाथ धाम का वीडियो। दोस्तों, आप जानते हो कि यह चार धामों में एक धाम में यह भी आता है बद्रीनाथ धाम। दोस्तों, यह चमोली जनपद में उत्तराखंड में बना हुआ है और यह दोस्तों अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ क्षेत्र है और यहीं पर मंदिर है। तो चलिए, आज आपको दर्शन कराते हैं भगवान बद्रीनाथ का। यह विष्णु भगवान को समर्पित मंदिर है। दोस्तों, यह स्थान है वह सर्वधर्म में सर्वाधिक पवित्र स्थानों में माना जाता है और यह एक एक प्राचीन मंदिर है। दोस्तों, बहुत ही सारे जो 8वीं-9वीं सदी में बना हुआ है। तो चलिए, आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं इस मंदिर का व्यू को। फाइनली हम है बद्रीनाथ पे और यहाँ से देख सकते हो कुछ इस प्रकार से एंट्री। चलिए, दर्शन कर रहे हैं बद्रीनाथ जी का और यहाँ से नीचे उतर रहे हैं। देख सकते हैं आसपास दुकानें और आपका शॉपिंग के लिए जितना भी आप दुकान वगैरह लेना चाहते हैं, शॉपिंग वगैरह करना चाहते हो कर सकते हैं आप। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बद्रीनाथ आओगे तो कुछ इस प्रकार से आपको बैंड मिलता है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है उसके लिए। बाकी आप अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हो तो नहीं रहेगा। और यहाँ पर लिखा है उत्तराखंड टूरिस्ट डेवलपमेंट बोर्ड, देख सकते हो कुछ इस प्रकार से। और ये स्कैन भी होता है। चलिए लगा लिए, फिर चलते हैं। बाकी अपने पास ऑनलाइन भी है। तो वैसे यहाँ से देख सकते हो बद्रीनाथ का धाम को जो सामने में है और आसपास देख सकते हो पूरा दुकानें का पूरा। यहाँ से आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हो। ये पूरा देख सकते हो रुद्राक्ष वगैरह हर एक चीज़ प्रकार के आपको मिल जाएगा। तो वैसे यहाँ से आप जो देख रहे हैं ये है बद्रीनाथ धाम और यहीं से देख सकते हो व्यू आ रहा है कितना प्यारा। आसपास के व्यू आप देख सकते हो। चलिए, और भी आगे चलकर आपको दिखाते हैं। तो गाइस, यहाँ से जो आप देख रहे हो ये है बद्रीनाथ के भी, देख सकते हो कुछ इस प्रकार से। और बैंड मिला है अपने को, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन था तो भी मैंने जीत करके इसको लिया हूँ। और सामने देख सकते हो बद्रीनाथ धाम और आसपास के भी देख सकते हो। और ये अलकनंदा नदी है ना, अलकनंदा नदी है देख सकते हो जिस प्रकार से। चलिए, अंदर लेकर चलते हैं आपको। सो फाइनली गाइस, हम हैं बद्रीनाथ धाम में और देख सकते हो यहाँ से कुछ इस प्रकार से मंदिर का व्यू है। चलिए, आपको अंदर लेकर चलते हैं और आसपास का देख सकते हो शॉपिंग के लिए दुकानें लगी हुई है। यहाँ से आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हो। और चलिए अंदर लेकर चलते हैं, दिखाते हैं। और यहाँ से है मंदिर का मेन मंदिर, देख सकते हो मैं पीछे में। तो चलिए लेकर चलते हैं। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो गाइस, यहाँ से है एंट्रेंस बद्रीनाथ जी का। चलिए चलते हैं। यहाँ से देख सकते हो कुछ इस प्रकार से और यहाँ पर अलकनंदा नदी बहती हुई है जस्ट बगल से। चलिए देखते हैं। और जब आओगे तो ऐसे ही आना पड़ेगा और ये अलकनंदा नदी है उसको आपको क्रॉस करके जाना पड़ेगा। यहाँ से देख सकते हो ये नदी पर व्यू देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है यहाँ से। और ये आस पास का देख सकते हो, ये एक और नदी है वहाँ से। यहाँ से दो पुल है, दोनों से आप आ सकते हो। और सामने देख सकते हो आप कुछ इस प्रकार से। यहाँ से देख सकते हो मंदिर का भी आपको दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों, ऊपर में फ्लैग लगा हुआ है। चलिए चलते हैं। और यहाँ से देख सकते हो मंदिर है यही। चलिए चलते हैं बद्रीनाथ धाम और चरण पादुका और बामड़ी गाँव सब तकुंड अलग अलग जगह हैं। चलिए यहाँ से लेकर चलते हैं। तो भाई देख सकते हो मंदिर के नीचे। चलिए ऊपर चलते हैं और यहाँ पर प्रसाद वगैरह देख सकते हो कुछ इस प्रकार से। जय बद्री विशाल लिखा हुआ है यहाँ पर। तो हम इधर सो भाई हम आ गए मंदिर के पास। और ये मंदिर का व्यू देख सकते हैं यहाँ से। और ये मंदिर का व्यू है। कितना रुपए का? 100 का, 50 का। यहाँ से आप देख सकते हो कितना प्यारा व्यू आ रहा है मंदिर का। ये है अपना देख सकते हो बद्रीनाथ धाम, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और आसपास के व्यू देख सकते हो दोस्तों। और यहाँ से देख सकते हो
और ये है आपका बद्रीनाथ धाम में आओगे तो। और हम फाइनली पहुंच चुके हैं दोस्तों, लगभग 2 घंटे के राइडिंग के बाद पहुंचे हम यहाँ मंदिर पे। और मंदिर में ज़्यादा भीड़ नहीं है, नॉर्मल है, तो आप अंदर जल्दी से जा सकते हो। चलिए अंदर लेकर चलते हैं और दर्शन करते हैं। शायद कैमरा वगैरह अलाउ नहीं है तो एक एक करके दर्शन करते हैं और बाहर में बैग वगैरह रखना पड़ता है। चलिए अंदर चलते हैं। सो गाइस, जैसे आप मंदिर के अंदर जाओगे तो और भी छोटे छोटे मंदिर यहाँ पर देखने को मिलते हैं, आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से। और मेन मंदिर में कैमरा अलाउ नहीं है तो बाहर वगैरह तक कर ले लिए हैं, अंदर में कैमरा अलाउ नहीं है दोस्तों, तो उसको फोटो से आपको दर्शन कराते हैं। चलिए। जिस दिन जुबा पे मेरी आए ना शिव का नाम। सो गाइस, देख सकते हो हमारा दर्शन हो चुका है, बाबा जी का अच्छे से दर्शन करके हम निकल गए कुछ इस प्रकार से मंदिर की। और लोगों का भीड़ आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा दर्शन करने के लिए यहाँ पर, यहाँ से देख सकते हो। और कुछ इस प्रकार से व्यू देख सकते हो, बहुत ही प्यारा आ रहा है। और यहाँ पर मंदिर का व्यू देख सकते हो पूरा कुछ इस प्रकार से। चलिए आगे दिखाते हैं।